दोस्तों, हाल ही में आपने अमिताभ बच्चन जी का एक ट्वीट जो वायरल हुआ है वो देखा होगा, जिसमें उन्होंने एक रश्मिका मंदाना के वीडियो को रीट्वीट किया है और बोला है डीप फेक है और ये एक चिंताजनक स्थिति है। क्या है ये डीप फेक? आपने आज तक सुना होगा वट इज फेक, डेट ये चीज फेक है, बट वट इज डीप फेक? नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र और आप देख रहे हैं फिनकोड.com। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीप फेक क्या है, कैसे यूज होता है। डीप फेक जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है, डीप लर्निंग एंड फेक। डीप लर्निंग मीन्स ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, जो मशीन खुद ब खुद लर्न करती है और आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कॉपी कर लेती है। इसको आप सिंथेटिक मीडिया भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये बनाया गया मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया इसको बोलते हैं। काम कैसे करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग इसको बोलते हैं, इसमें ऑटो इनकोडर यूज होते हैं, जो कि न्यूरॉन, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के, उसी तरीके की टेक्नोलॉजी, न्यूरल नेटवर्क की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूज करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है, उसी तरीके से इसमें जो न्यूरल नेटवर्क में जो नोड्स होते हैं एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट जाता है आउटपुट आता है। अब मशीन लर्न कैसे करती है, इसमें जो एनकोडर्स लगाए जाते हैं वो एक इनपुट डाला जाता है और एक एक्चुअल आउटपुट रहता है कि ऐसा डिजायर्ड आउटपुट जिसको हम बोलेंगे कि ऐसा आना चाहिए। अब कंप्यूटर जो इनपुट को लेके अपनी कोडिंग करता है और एक आउटपुट देता है, वो चेक करता है कि जो एक्चुअल आउटपुट है जो आना चाहिए था उससे कितना मैच खाता है। जितना मैच नहीं खाता उसको डिफरेंस बोलते हैं, डेट इज नोन एज एरर डिफरेंस। उस एरर को कंप्यूटर नोट करता है, लर्न करता है, दोबारा से एनकोडिंग करता है, फिर आउटपुट देता है, फिर चेक करता है कितना डिफरेंस रह गया। कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने आप लर्न करके लास्ट में ऐसा आउटपुट देता है जो बिल्कुल उसके करीब या बिल्कुल मैच करता है जैसा कि रिजल्ट चाहिए था। तो जैसा कि इनपुट डाला और आउटपुट में आपको किसी का वीडियो फेस चाहिए तो कंप्यूटर उसको बना के आपको दे देगा। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली यूज़ की जाती है फिल्मों में, स्टंट्समैन, या फिर आज देखते हैं जो आपकी बायोपिक्स होती हैं उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सिमिलर फेस हम बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से, पर इस्तेमाल हो रहा है गलत, बुरे इस्तेमाल में हो रहा है। इसका यूज़ करके आजकल लोग पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी डाल देते हैं और ये सेलिब्रिटीज़ लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, साथ ही साथ आम इंसान के लिए भी बहुत चिंताजनक स्थिति है, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। लेकिन इसका असर इकोनॉमी में भी पड़ सकता है, पॉलिटिक्स में पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि जो हमारे बड़े नेता हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, उनमें ये चीज़ हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, व्लादिमिर पुतिन, जेलेंस्की, इन सबके डीप फेक वीडियो आए हैं जो एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि पूरा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। तो इससे बहुत ही बच के रहना पड़ेगा। सरकारें ला रही हैं, ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही हैं कि इस डीप फेक जो इमेजेस या वीडियोस हैं इन पर रोक लगाई जा सके, तो ऐसा कानून भी लाया जा रहा है। तो डीप फेक से दूसरा क्या हो सकता है नुकसान, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून से मान ले एलॉन मस्क, या फिर आपके इंडिया में ही अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इनकी डीप फेक वीडियोस लाई जा सकती हैं, जो कोई स्टेटमेंट दे सकती हैं इकोनॉमी के बारे में या उनकी कंपनीज के बारे में जो कि फेक हो, लेकिन वह शेयर मार्केट को इफेक्ट कर सके, इकोनॉमी को इफेक्ट कर सके। तो इस तरीके के नुकसान डीप फेक के कारण हो सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए सरकारों को जल्द से जल्द कानून बनाना होगा, कानून लाना होगा, और तब तक आपको इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के नुकसानों से बचना होगा। इसके लिए होनी चाहिए जागरूकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।